क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरल टू ए बी एक ट्राइंगल है ए बी सी नाम का इसको ड्रॉ कर लें इसमें डी ई हमें एक साइड दे रखी है और ये कैसे जनरेट हो रही है तो जो डी और ई e है ये ए सी और बी सी पे पॉइंट है ये ए सी है इस पे पॉइंट है डी और ये बी सी है इस पे पॉइंट है ई e. इनको ज्वाइन करने पे डी ई मिल रहा है ये डी ई गिवन है ए बी के पैरल और आगे क्या कहता है एफ इज अ पॉइंट बिटवीन सी एंड डी सी और डी के बीच में पॉइंट है कहीं पे एफ बीच में है कहीं इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिड पे है सच दैट ई एफ को ज्वाइन करें इज पैरल टू बी डी बी डी को ज्वाइन कर लें इस प्रकार से कुछ सिनेरियो है और इफ इक्वल्स टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ए डी जो है फिफ्टीन सेंटीमीटर गिवन है डीसी जो है टेन सेंटीमीटर है ये थोड़ा हमारा डायग्राम छोटा बन गया ए डी फिफ्टीन है और डी सी टेन है टेन ज्यादा बड़ा लग रहा है, the है मान लेते हैं इसे X. तो अब कैसे आगे बढ़ा जाए क्या किया जाए इन गिवन का इस्तेमाल कैसे किया जाए तो देखिए एक ट्राइंगल पहले जो बड़ा ट्राइंगल है एबीसी इसमें डी पैरल गिवन है ए बी तो हमने ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी में पढ़ा है कि भाई अगर किसी एक ट्राइंगल में एक पैरल लाइन ड्रॉ हो रही है किसी एक किसी भी अदर साइड के ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरल एक लाइन अगर ड्रॉ हो रही है तो वो पैरल लाइन जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं वो क्या करेगी आ, बाकी जो अदर साइड्स हैं इनका जो रेशो होगा वो इक्वली बांटेगी मतलब DE पैरेलल गिवन है जो ए बी के तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा सी डी बाई ए डी इक्वल्स टू सीई बाई या BE जो बोल रहे ये रेशो इक्वल मिल जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये सिक्स क्लास में सिक्स चैप्टर में सिमिलरिटी हमें पढ़ाया जाता है टेंथ क्लास में नहीं अब देखिए सी डी की लेंथ हमें गिवन टेन एडी की लेंथ कितनी है फिफ्टीन यह हो जाएगा सीई बाई के बराबर जो कि हो जाएगा टू बाई थ्री इसी प्रकार हमारे पास एक और ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है डी सी बी डी में ई एफ पैरल है डी बी के तो क्या हो जाएगा सी एफ बाय एफ डी इक्वल्स टू सीई बायी सी एफ कितना है यह हमें फाइंड करना है एफ डी कितना है मालूम नहीं इसको टेन माइनस एक्स कर लेते हैं मालूम क्योंकि सी डी पूरा टेन है ये एक्स है तो ये टेन माइनस एक्स हो जाएगा क्वल टू सी बाई अभी हमने सी बाई बी का रेशियो देखा टू बाई थ्री के बराबर आया है तो अगर इसको हम यहाँ पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी माइनस टू एक्स यानी फाइव एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी यानी एक्स इक्वल्स टू फोर तो हो गया सॉल्व इसमें बेसिकली हमें प्रपोर्सनैलिटी थेरम का ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रैंगल में अगर एक साइड उस ट्रैंगल के किसी भी दूसरी साइड के पैरल होती है तो जो उस बाकी टुकड़े हो रहे हैं अदर साइड्स के उनका रेशियो हमें इक्वल मिलता है